अल्लाह ताला की इस नेमत पर हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे मादर इल्मी से मरबूत रखा है कि जो हमेशा अपने फजला की खबरगिरी करता है, उनको अपने से मरबूत रखता है, उनके इदारों का विज़िट करता है, उनको उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, उनको रहनुमाई और हिदायत फराहम करता है। ऐसे ही एक दफ़ा फिर मादर इल्मी ने हमें याद किया है। 29 अक्टूबर बरोज़ इतवार सपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एक मुशावरती इजलास कराची के फ़ज़ला इकराम के लिए मुनाक़िद किया जा रहा है। इसमें हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातहुल आलिया ख़ुद गुफ्तगू फरमाएंगे, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब दामत बरकातहुल आलिया और भी कुछ चीदा चीदा चीज़ें होंगी। और इसका इस इजलास के अंदर हम लाहौर के इज्तिमा के जाने के नज़म पर मुशावरत करेंगे और इंशाल्लाह उसमें पैकेज पेश कर दिया जाएगा। तो कराची के जितने फ़ज़ला इकराम हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसा मादर इल्मी जो हमें हमेशा याद रखता है, हर मौके पर याद रखता है और जिससे बार बार आपको फ़ोन आते हैं, कॉलें आती हैं, पूछा जाता है, इज्तिमा पे बुलाया जाता है, तो एक दफ़ा फिर मादर इल्मी ने याद फरमाया है। तो तमाम फ़ज़ला इकराम अपनी मसरूफियात में से ये वक्त निकालें और इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। साथ साथ ये अर्ज़ कर दूँ कि ये दिन हमने और ये वक्त इस सहूलत की वजह से रखा है कि इतवार का दिन अक्सर साथियों की छुट्टी का होता है और जो तदरीस करते हैं तो भी ज़्यादातर हजरात जोहर से पहले फारिग हो जाते हैं, तो जोहर के बाद का वक्त इतवार के दिन का वक्त मौजू तरीन वक्त है, इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।